السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام دی روز در بوستان سرا ہما توتیاں خوش نوا دی روز در بوستان سرا ہما توتیاں خوش نوا کرتی تھی ذکر مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توخ میں قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توخ میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشف دجا بجمالی تتلیاں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو تتلیاں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی وہ یہ گفتگو حسنت جمیع و خصالی چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ
लायक सद एहतराम हजरत उलमाए किराम हुफ्फाज़े इज़ाम आइम्मा मसाजिद बुज़ुर्गान दीन और तमाम ही मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज ज़िम्मेदार और उलमाए किराम ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर एक नूरानी महफिल मुनाक़िद की है। अल्लाह इन सब को अपने शाया निशान बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आपके नीलंगा शहर में इतना बड़ा मजमा आज मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ। इससे पहले यहाँ हमारी तफसीर होती थी, हाँ जी, तो मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ। अल्लाह ताला आपके जज्बात को कबूल फरमाए, आपके इश्क़ रसूल को कबूल फरमाए। इस मौके पर मैंने क़ुरान करीम की 3 आयतें तिलावत की हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें मैंने पढ़ी हैं। इंशाअल्लाह इन्हीं की रोशनी में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक चंद बातें मैं अर्ज़ करूँगा। उससे पहले मैं हज़रत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल उलूम देवबंद के बानी हैं, अल्लाह के हुजूर अल्लाह के नबी की शान में उन्होंने जो अशआर पेश फरमाए हैं मैं उसको पेश करूं। ये अशआर मैं इसलिए पढ़ूंगा कि लोग समझते देवबंदी हुजूर को मानती नहीं, ये बहुत पहले से गलतफहमी है। 100 साल 150 साल हो गया है जी, ये लोग हुजूर को मानते नहीं। तो सबसे बड़े देवबंदी के हुजूर की शान में अशआर सुन लो। फरमाते हैं, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म में कौनों मकान को सजाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म में कौनों मकान को बनाया गया सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी, इल्म व हिकमत में वो गैर महदूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। अच्छा, एक तो है सूरतुन नबी और एक है सीरतुन नबी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
हुस्न को बयान करना, यह है सूरतुन नबी। और आपके अखलाक, आपके किरदार को बयान करना, यह है सीरतुन नबी। तो आज का जलसा अगरचे सीरतुन नबी का है, लेकिन सीरतुन नबी सूरतुन नबी के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती। इसलिए मैंने दो हदीसें पढ़ी। पहली हदीस मैंने पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई उस वक़्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता, हत्ता अकून अहब इलैह मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन, जब तक कि मैं तुम्हारे नज़दीक अपने औलाद, अपने माँ बाप और हर चीज़ से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अपनी औलाद, अपने माँ बाप और तमाम कायनात से ज़्यादा जब तक ना हो वो ईमान वाला नहीं हो सकता। मालूम हुआ मोहब्बत रसूल ईमान है। जिसके दिल में मोहब्बत रसूल ना हो वो मुसलमान ही नहीं। दूसरी हदीस, ये गूंज रही आवाज़ में, बंद करके रख दो, ये आवाज़ काफ़ी है ना जी। मैंने दूसरी हदीस पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबान लिमा जीतु बिही, तुम में से कोई उस वक़्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक के उसकी ख्वाहिशात उस दीन के ताबे ना हो जाए जिस दीन को लेकर मैं आया। यह है इताअत रसूल। मोहब्बत रसूल ईमान है तो इताअत रसूल भी ईमान है। रह गया सवाल के मोहब्बत का ताल्लुक तो दिल से होता है, और किसके दिल में कितनी मोहब्बत है ये वो बंदा जाने और अल्लाह जाने। तो मोहब्बत का मेयार क्या है, कैसे मालूम हो कि इसके दिल में अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है? तो उसकी दलील है इताअत रसूल। जिसके दिल में अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होगी उसकी हर अदाम में सुन्नत रसूल जाहिर होगी। पहले ज़माने की बात है, हिंदुस्तान में एक शायर होते थे, नातगो शायर थे, नाता लिखते थे। उस ज़माने में फ़ारसी का ज़माना था। हिंदुस्तान में दो ज़बानें थी, मुसलमान फ़ारसी बोलते थे, हिंदू संस्कृत बोलते थे, उर्दू नहीं थी उस ज़माने में। बाद में उर्दू ये मिक्स होके एक ज़ुबान वजूद में आई। तो एक शायर थे, उनका तखल्लुस था बेदिल। उनके अशआर ईरान जाते थे, ईरान। तो ईरानी उनके अशआर पढ़कर बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में ऐसा आशिक़ रसूल है कि इश्क़ रसूल में डूब कर वो अशआर कहता है। कुछ लोगों को शौक़ हुआ कि उस आशिक़ रसूल की ज़ियारत करें,
ज़ियारत बोले तो वो तीन दिन की नहीं है। ज़ियारत अरबी लफ्ज़ है, ज़ियारत के माने मुलाकात। उसको भी ज़ियारत इसलिए कहते हैं कि उनको छोड़ के आए थे, तीन दिन हो गए, जरा और मिलने के वास्ते गए, कैसे हैं, अच्छे हैं क्या। तो ज़ियारत के माने मुलाकात के। तो हिंदुस्तान के जो शायर थे बेदिल, बड़े आशिक़ रसूल थे। तो ईरान के कुछ लोग उनकी मुलाकात के लिए हिंदुस्तान आए, पता पूछते पूछते घर तक गए, आवाज़ दी, क्या बेदिल यहाँ रहते हैं? घर वाले बोले ये घर है उनका, लेकिन फिलोखत घर पे नहीं है। पूछा कहाँ हैं? तो घर वाले बोले वो हजाम खाने में होंगे, हजामत करने को गए हैं उन्होंने। अब ये जो थे उनके मुतखिबीन, वो हजाम खाने में पहुँचे तो देखा वो शायर जो है दाढ़ी मुंडा रहे, उन्होंने हजाम वस्तरा चला रहा उनके दाढ़ी पे। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, इतना बड़ा आशिक़े रसूल, अशार उसके ऐसे इश्क़े रसूल में डूबे हुए। तो वो मेहमानों ने कहा आगा रीशरा मी तराशी, जनाब दाढ़ी मुंडा रहे हो, ये तो हुजूर की सुन्नत है ना, हैं जी, जब तक नहीं रखे ना उनसे गुजारिश है कि कम से कम अल्लाह के रसूल की सुन्नत तो अपने चेहरे पे सजा लो, करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करो। कोशिश बोले तो क्या, घर वाली से इजाज़त ले लो जी, देखम ज़रा दाढ़ी रख लूँ क्या, उन्होंने इजाज़त दी है तो फिर तुम्हारे आसान हो जाता। बहरहाल तो ईरान के मेहमानों ने कहा आगा रीशरा मी तराश, जनाब आशिक़े रसूल होके आप दाढ़ी मुंडा रहे। वो शायर भी जो है बड़ा मनचला था, उसने कहा भले रीशरा मी तराशम भले दिले कसेरा नमी खराशम। उसने कहा हाँ हाँ, मैं अपने चेहरे पे उस तरह चला रहा हूँ, किसी के दिल पे तो नहीं चला रहा। भले रीशरा मी तराशम भले दिले कसेरा नमी खराशम, मैं तो अपने चेहरे पे उस तरह चला रहा हूँ, किसी के दिल पे तो नहीं चला रहा। मेहमानों ने कहा ताज्जुब है, अरे दिले रसूला मी तराशी, कहा जनाब किसी और के दिल पे नहीं, अल्लाह के रसूल के दिल पे ये उस तरह चला रहे हो, अल्लाह के नबी की सुन्नत प्यारी सुन्नत है, इस पर उस तरह चला। अरे दिले रसूला मी तराशी, ये तो तुम अल्लाह के रसूल के दिल पे चला रहे हो। बस ये हिदायत का वक्त था, एकदम चौंक गए वो, कहा मैं तो सोचा ही नहीं था। तब उसने कहा जज़ाकल्लाह के चश्मम बाज कर दी, मरा बाजाना ने जहाँ हम राज कर दी। ओ आने वालों मेहमानों, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, मुझे तो इसकी खबर ही न थी, इसका एहसास ही नहीं था।
हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। उसने कहा, हजरत मैं तुम्हारे से बैत होना चाहता हूँ, मुरीद बनना चाहता हूँ। फरमाया, चलो बिस्मिल्लाह, अल्लाह के वलियों का दरबार, उससे कोई महरूम नहीं जाता। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, बैत हो गई। अब वो हजरत की खिदमत में रहा 10 साल। कितने? 10 साल। उसके बाद कहने लगा, हजरत मैं अब जाता हूँ। हजरत ने पूछा, आया था कहीं को, जा रहा क्यों? कहने लगा, तुम्हारी शोहरत सुना था, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, तो मैं इसलिए आया था कि तुमसे कुछ करामतें देखूंगा, मगर 10 साल में ये करामत भी नहीं बताया। 10 साल में एक करामत भी नहीं बताया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा ये बता, इस 10 सालों में कभी तूने सुन्नत के खिलाफ कोई अमल करते हुए देखा क्या? उसने कहा ना। हजरत ने फरमाया, तुझे इससे बड़ी करामत और क्या चाहिए? ए गुलाम, ने 10 साल तक अपने आखा की नाफरमानी नहीं की। मुल्ला अली खारी फरमाते हैं, एक इस्तेखामत 1000 करामतों से बढ़ के। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, सूरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा हसीन बनाया कि तमाम जहानों को हुस्न दिया। आपके हुस्न के सदक़े में तमाम कायनात को वजूद बख्शा। आपके वजूद के सदक़े में आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में रखा। फरमाया, आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ चाहे जाओ, जो चाहे खाओ। लेकिन एक दरख्त बता के कहा, इसके करीब नहीं जाना। वला तक़रबा हाज़िही शजरता फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, इसके करीब नहीं जाना, इसका फल नहीं खाना। खाए रे, हमारा कुछ नहीं, तुम्हारा नुकसान हो जाता है, जन्नत में नहीं रहते तुम। आखिर आदम अलैहिस्सलाम से लग्ज़िश हो गई, गलती नहीं बोला मैं, लग्ज़िश है जी, लग्ज़िश हो गई। और आदम ने वो फल खा लिया। अल्लाह ने फरमाया, चलो यहाँ से निकलो। एह भी तू मिन्हा जमीआ, सब नीचे डाल, चल जाओ ज़मीन में। आदम जब ज़मीन पे उतारे गए, रोते थे कि मेरे से ये कैसी लग्ज़िश हो गई कि जन्नत से निकाला गया। जो रोते थे, 200 साल तक आदम रोते थे, मारे शर्मिंदगी के अपना सर उठा के आसमान की तरफ नहीं देखते थे। आखिर अल्लाह को रहम आ गया, अल्लाह ने तौबा के कलिमात नाजिल फरमाए। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फिर दुआ की और कहा, मेरे रब, मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह ने फरमाया, आदम तुम उनको कैसे जानते हो जिसके वसीले से दुआ मांग रहे हो, तुम उनको कैसे जानते हो? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह, जब तूने मुझे जन्नत में रखा था तो मैं तेरे अर्श पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं समझ गया कि जिस हस्ती को तूने अपने नाम के साथ लिखा है वो हस्ती ज़रूर है, अजीम हस्ती है। अल्लाह ने फरमाया, आदम, अगर उनको पैदा करना मंशा ना होता,
न मैं तुझे पैदा करता न कायनात को पैदा करता। वो तुम्हारी औलाद में से होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जबकि आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और जिस्म के बीच में थे। आदम का पुतला बनाया गया था, अभी उसमें रूह डाली नहीं गई थी। मैं उस वक्त भी नबी था। कुंत नबीयन व आदम बैनल रूही वल जसद। आपने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जबकि आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। बैनल माई व तीन, आदम के पुतला बनाते वक्त मट्टी में अभी पानी भी नहीं डाला गया था। हुज़ूर फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था। और एक रिवायत में आपने फरमाया अन्ना नबीयुल अंबिया, हर नबी अपने उम्मत के नबी थे और मैं नबियों का भी नबी हूँ। अन्ना नबीयुल अंबिया, मैं नबियों का भी नबी हूँ। यही वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी दुनिया में आए 124,000, हर नबी के ज़िम्मे दो चीज़ें रही। एक ईमान की दावत देना और दूसरे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत देना। चुनांचे हर नबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने की खुशखबरी सुनाई अपनी उम्मत को। यहाँ तक के हज़रत इब्राहीम इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह के तामीर के वक़्त दुआ मांगी थी, रब्बना व बास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। परवरदिगार हमारी औलाद यहाँ आबाद होगी इस मक्के में, ये तेरे घर के अतराफ में, उनमें एक रसूल को मबऊस फरमा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अना दावतु अबी इब्राहीम, मैं अपने बाबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ जो काबतुल्लाह की तामीर के वक़्त उन्होंने मांगी थी। इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपकी आमद की बशारत दी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था खलो मोहम्मदें जे दूदी जे रवी, उनकी ज़ुबान इब्रानी ज़ुबान थी, तो उन्होंने कहा खलो मोहम्मदें जे दूदी जे रवी, वो मोहम्मद तशरीफ़ लाएंगे, वो मेरी रूह और मेरी जान है। इसी तरह से उन्होंने कहा था वो खुदा सेना से निकला सगीर से चमका, फारान की चूटियों से नमूदार हुआ 10,000 कुदसियों के साथ। वो खुदा सेना से निकला, खुदा सेना बोले तो मक्के की पहाड़ियाँ, सगीर से चमका यानी मदीना, और फारान की चूटियों से नमूदार हुआ मक्के की अतराफ की पहाड़ियाँ। फतेह मक्का का मंज़र मूसा अलैहिस्सलाम ने पेश किया। मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
2000 साल पहले का है। तो हजरत मूसा ने फरमाया था, फारान की चूटियों से नमूदार हुआ 10,000 कुदसियों के साथ। कुदसी बोले तो बाकी जारू हैं, यानी सहाबा मुराद हैं इससे, 10,000 सहाबा के साथ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी आपकी, मुबशिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अपनी उम्मत से कहा, बनी इसराइल मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ, मेरे बाद एक रसूल तशरीफ लाएंगे जिनका नाम अहमद होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं मोहम्मद भी हूँ और मैं अहमद भी हूँ। आपका नाम आपकी अम्मा बीबी आमिना ने अहमद रखा और आपके दादा जान अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। अहमद के माने क्या हैं और मोहम्मद के माने क्या हैं? अहमद के माने आते हैं अल्लाह की सबसे ज़्यादा तारीफ करने वाला। अहमद अरबी ग्रामर में इसमें तफजील है। ये जैसे अल्लाह अकबर कहते हैं ना, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो अहमद के माने हैं अल्लाह की सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाले। ज़ाहिर बात है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाले थे। आपका नाम मोहम्मद भी है। मोहम्मद के माने क्या है? मोहम्मद के माने हैं अल्लज़ी युहमदु हमदम बादा हमदिन, वो शख्सियत जिनकी तारीफ की जाए, बार बार तारीफ की जाए। अल्लज़ी युहमदु हमदम बादा हमदिन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन ऐसी अजीम हस्ती हैं कि सारी कायनात आपकी हमद और आपकी तारीफ करती है हर चीज़। अच्छा जी, तुम ये समझते हो कि सिर्फ पैगंबरों ने ही आपकी खुशखबरी दी? ना ना, जितने मज़हब हैं हर मज़हब के बड़ों ने आपकी खुशखबरी दी। चुनांचे गौतम बुद्ध, आप बुद्धों के मानने वाले बहुत हो गए ना जी, हैं जी, गौतम बुद्ध का आखिरी वक़्त आया तो गौतम बुद्ध का चेला नंदा गौतम बुद्ध के कदमों में बैठा रो रहा है। गौतम बुद्ध ने कहा, नंदा तू क्यों रो रहा है? उसने कहा, बुद्धा आप दुनिया को नेक बातें बताते थे, सच्चाई की तालीम देते थे, आप दुनिया से जा रहे हैं, अब दुनिया को नेकी की तालीम कौन देगा? गौतम बुद्ध ने कहा, नंदा मैं कोई पहला बुद्ध नहीं हूँ जो दुनिया में आया, मुझसे पहले भी आए और मेरे बाद एक आने वाले आएंगे जो दुनिया को नेकी की तालीम देंगे, जिनका नाम मैत्रेय्या होगा। मैत्रेय्या संस्कृत का लफ्ज है, पाली जुबान का लफ्ज है। जिनका नाम मैत्रेय्या होगा। अब मैत्रेय्या का तर्जमा क्या है? मैत्रेय्या का तर्जमा है वो जो रहमत वाला है। बेशक अल्लाह ने आपकी शान ही में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। प्यारे हबीब, हमने तो आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो गौतम बुद्ध ने भी आपकी बशारत दी थी इसी तरह से।
वेद जो है ना सबसे कदीम किताबें, वेद 6000 साल पुरानी मजहबी किताबें जिसे ज़ुबुरुल अव्वलीन कहा। तो वेदों में बुत परस्ती नहीं है, याद रखो, वेदों में तौहीद है। एको एवं अद्वितीयम्, अल्लाह एक है, दूसरा कोई नहीं है। बाद के लोगों ने फिर ये बुत परस्ती शुरू की। वेदों में 31 मरतबा हजूर का जिक्र मुबारक है, 31 मरतबा। कहीं है अहमद, कहीं मोहम्मद के साथ आपका जिक्र मुबारक, कहीं पर आपको निराशन से कहा गया, कहीं आपको अंतिम ऋषि कहा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत वेदों में भी है। अकबर बादशाह गुजरा देखो हिंदुस्तान का, अकबर द ग्रेट, हैं जी, वो अकबर के पास 9 रत्न थे, 9 रत्न, रत्न बोलते हैं हीरे को। वो 9 जो उसके मंत्रियां थे ना, इतने काबिल थे पूछो मत, और हर मज़हब के थे उसमें, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, है जी, ब्राह्मण भी थे, ईसाई भी थे, हैं जी, चुन चुन के जमा करा था उन्हें अकबर। अच्छा, खुद थम्सअप था वो। अब जी अकबर पढ़ना लिखना नहीं जानता था, मगर हिंदुस्तान पे हुकूमत करा वो शान के साथ। बहरहाल अकबर ने एक मर्तबा अपने एक मंत्री जो ब्राह्मण थे उनसे पूछा, क्या तुम्हारी किताबों में हमारे नबी का जिक्र है क्या? उस ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, आपके नबी का जिक्र हमारी किताबों में भी है। क्या वो क्या? उसने एक श्लोक पढ़ा जिसमें हुजूर का जिक्र मुबारक है, ला इलाहा हरनी पापम इल्लल्लाहु परम पदम, ला इलाहा इल्लल्लाह कहें तो सारे गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, और इल्लल्लाह का इकरार करें तो बहुत बड़ा दर्जा उसको अता होता है। ला इलाहा हरनी पापम इल्लल्लाहु परम पदम, जन्म बेकुंठ पराप होती गर जपे तू नामे मुहम्मदम, आखिरत में तेरे दर्जात बुलंद होंगे अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करे। ला इलाहा हरनी पापम इल्लल्लाहु परम पदम, जन्म बेकुंठ पराप होती गर जपे तू नामे मुहम्मदम। एक जलसे में मैं ये पढ़ा, जलसे के बाद जो है एक बड़ा पंडित था, उन्हें आके मेरे को गले को मिला, उन्हें बोला ऐसे बजाना तो है ना, है जी। एक बात याद रखो, ये हिंदू है ना, ये बहुत नरम दिल लोग हैं। अब लोग उनको उनके दिमागों में कचरा भर दिया, दिमाग ख़राब कर दिया उनके, बहुत नरम कौम। उससे बढ़कर कौन सी कौम नरम होंगी? एक पत्थर से अकीदत रखती है, क्या इंसान से मोहब्बत नहीं होगी? हैं जी, इसलिए ज़रूरी है अखलाक पेश करो। हाँ जी, इस्लाम जो फैला है ना अखलाक से फैला है, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में अगरचे ईमानियात भी हैं, इबादात भी हैं, हैं जी, लेकिन वो पहलू सबसे ज़्यादा रोशन है
जो आपके अखलाक का है। और असल में सीरत कहते हैं अखलाक को। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में कुछ सहाबा हाजिर हुए, अर्ज़ किया उम्मुल मोमिनीन हमें बताइए अल्लाह के नबी के खुलुक यानी आपके अखलाक और आपकी सीरत क्या है। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? क्या जी कुरान तो पढ़ा। फरमाने लगी काना खुलुकुहु अल कुरान, आपके अखलाक तो ये पूरा कुरान पाक है, आपकी एक एक अदा अल्लाह ने अपने कुरान में बयान की। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक सहाबी ने हुजूर को एक जुब्बा हदीये में पेश किया, हाँ जी हदिया लेना देना सुन्नत है याद रखो, हमार को खाली मिठे की सुन्नत याद है। अरे गुलाब जामुन खाना सुन्नत है ना यार? बेशक मीठा खाना सुन्नत है लेकिन और भी तो सुन्नतें हैं, हाँ जी हदिया देना लेना सुन्नत है। मैं कहता हूँ ये आलिमा के यूँ समझो बदनसीबी है, अल्लाह इनको ऐसे कमेटियाँ दिया एकदम असल बखील हर चीज़ में खर्चा करेंगे, नहीं करेंगे तो इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ेंगे। नहीं मौल साहब वहाँ तो कम दे रहे हम ज़्यादा दे रहे, हाँ ए तुम्हारे महीने के दूध का खर्चा इससे ज़्यादा है, हाँ जी। तो हुजूर फरमाते हैं तहादु तहाबु, आपस में एक दूसरे को हदिया दिया करो लिया करो, मोहब्बत बढ़ेगी। बहरहाल एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल को एक जुब्बा दिया, अब हुजूर वो जुब्बा पहन के जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। अच्छा हुजूर के ज़माने में मस्जिद में मर्द भी आते थे और पीछे औरतें भी आती थी, एक खातून की नज़र हुजूर के जुब्बे पे पड़ी, बड़ा प्यारा जुब्बा है। खैर नमाज से हुजूर फारिग हो गए, एक बच्चा आया, एक बच्चा उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अम्मा कहती हैं कि आप कोई जुब्बा मेरी अम्मा को हदिये में दे दो। अल्लाह के नबी ने फरमा बेटे जो पहना हूँ ना इसके सिवा मेरे पास कोई जुब्बा नहीं है। कौन है आप जिनके सदक़े में सारी कायनात अल्लाह ने पैदा की, फिर आपकी इतनी गरीबी? ये असल में उम्मत को तालीम देना है क्योंकि उम्मत में सब मालदार तो नहीं होते ना, गरीब भी होते हैं। अल्लाह के नबी ने अपने अमल के ज़रिए से उन गरीबों के दिलों को तसल्ली दी है। तो बच्चे से हुजूर ने फरमाया बेटा मेरे पास ये जुब्बे के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। बच्चा गया, दोबारा हो रहा है, कहने लगा जी मेरी अम्मा कहती हैं वो पेने से दो। बात बहुत खट रहे थे, हाँ जी अब वो पुराने फकीरा नहीं रहे, हाँ जी पुराने फकीरा तुम्हारे घर तक आते देवना मामू देवना मामू अबे जा
घर तक नहीं छोड़ते थे पीछा, है नहीं? लेकिन अल्लाह ने अस्हाबे सुफा की शान में फरमाया ला यसअलूना नास इल्हाफा, लोगों से लपट कर नहीं मांगते। बहरहाल वो बच्चा आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी अम्मा कहती है वो पेने से झुब्बा दो। अल्लाह के नबी ने कभी इनकार नहीं फरमाया, सखावत की इंतहा कर दी। तन पर पहने से जुब्बे के सिवा और कोई नहीं है। उस बच्चे ने कहा मेरी अम्मा कह रही हैं वो पहने से दो बोलना। कई के वास्ते मंग रहे थे, तबरू के वास्ते, हैं जी? अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छी बात है। वो बच्चे को लेकर अपने घर गए, अंदर जाकर आपने अपना जुब्बा उतारा, उस बच्चे को दिया, जा बेटा अपनी अम्मा को दे दे जा। सिर्फ तहबंद पे हैं आप, हाँ जी? अल्लाह चाहता तो जहाँ के खजाने आपके कदमों में डाल देता। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे सरजमीन के खजानों की चाबियाँ अता की हैं, लेकिन मैंने ये पसंद किया कि या अल्लाह मैं एक दिन खाऊं तो शुक्र अदा करो, दूसरे दिन भूखा रहूं सब्र करो। ये अल्लाह के नबी की सीरत तैयबा है। मुसलमानों अपने गरीबी पर रो मत, बल्कि सब्र करो, मेहनत करो, ऐदी नको बनाओ, है नहीं? मेहनत करो, सब्र करो। अभी हालात इतने आ रहे हैं तुम पे, क्या करना है जी? सब्र करो, क्योंकि तुम्हारे नबी ने सब्र किया, तुम भी सब्र करो। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। हुकूमतें कुफ्र के साथ चल सकती, जुल्म के साथ नहीं चल सकती। जालिम दुनिया में पनप नहीं सकता। बहरहाल एक और बात मैं बयान करूं, पहले ये बात तो पूरी हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए, जुब्बा उतार के दिया, बेटा जा अपनी माँ को दे। सिर्फ एक तहबंद है, सारी कायनात के सरवर, अल्लाह के महबूब, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन की सखावत की इंतहा, अपने तन का जुब्बा दे दिया, और कोई नहीं है जुब्बा, तैमन पे है। नमाज के लिए अजान हो गई, लोग जमा हो गए मस्जिद में। बिलाल हबशी मौजिन हैं। अब इमाम देर से आए ना, पूरा टेंशन मौजना पे डालते लोग। अरे जी कहाँ है इमाम साहब, टेम हो गया, टेम हो गया, कहाँ है? है जी? तो हजरत बिलाल से लोग कहने लगे, बिलाल जाओ जरा देखो, देखो अल्लाह के नबी अब तक नहीं आए। हजरत बिलाल जब हुजरे के पास पहुँचे, आवाज़ दी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज तैयार है, आपका इंतज़ार हो रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल मैं कैसे आकर नमाज पढ़ाऊँ, मेरे पास तो कोई जुब्बा भी नहीं है। हज़रत बिलाल ने झांक कर देखा तो जिनके सदक़े में सारी कायनात अल्लाह ने पैदा की है, उनकी सखावत की वजह से तन पे पहनने को जुब्बा भी नहीं। हज़रत बिलाल ने फौरन एक चादर का इंतज़ाम किया,
कहीं से चादर लाए, अल्लाह के नबी के खिदमत में पेश किया। तब अल्लाह के रसूल चादर ओढ़ कर तशरीफ लाए और आपने नमाज पढ़ाई। अल्लाह ने उसी सिलसिले में कुरान करीम की आयत शरीफा नाजिल फरमाई। अल्लाह ने फरमाया وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब, अगर कोई मांगने वाला है तो बखीली न करना, कंजूसी न करना कि अपने हाथ गर्दन पर रख ले मेरे पास कुछ भी नहीं है। वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुकिका, अपने हाथों को अपने गर्दन से नको बांध लो, यानी बखीली मत नको करो। वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती, और इतनी सखावत भी नको करो दोनों हाथों से उठा के दे रहे लीजा और होना क्या लीजा। वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती, अपने हाथों से इतना भी मत दो। फतकूदा मलूम महसूरा, वरना ऐसा बैठ जाएंगे हैं तन का जुबा भी दे दिया। ये सखावत की झलक थी, ये सीरतुल नबी है। इससे मालूम हुआ कि गरीबों मोहताजों की मदद करो, है जी, खुद खा के सवाब न को कमा ले हो। कुर्बानी करते मुसलमान है जी, गोश्त असल गोश रख लेते, छिचड़े हड्डियाँ सगों में बेच तरसम करते, अजी कुर्बानी का गोश है, असल माल निकाल के रख लिया, वारे वाह तेरी कुर्बानी। यानी कुर्बानी में खून तो गया ज़मीन में, गोश गया तुम्हारे पेट में, अजी चमड़ी गई मदरसे वालों के पेट में, अल्लाह को क्या पहुँचा। अल्लाह को तुम्हारा जज्बे कुर्बानी पहुंचता है जी, वरना पूरा बकरा तो तुम ही खा गए तो, और चमड़े मदरसे वाले खा गए, अल्लाह को क्या पहुंचा है। तुम्हारा जज्बा जज्बे कुर्बानी, तो ये सखावत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने उम्मत के हर तबके के साथ रहम का मामला फरमाया, शफ़क़त का मामला फरमाया, और हुक्म दिया अर्राहिमूना यरहमुहुमुर रहमान, जो दूसरों पर रहम करने वाले हैं ना उन पर रहमान भी रहम करता है। इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अब ज़मीन वाले खाली मुसलमान चाहेंगे जी, और भी कौम है ना, तुम जो है रहमतुल आलमीन की उम्मत हो, सबके लिए रहमत बन जाओ, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो जो भी परेशान हाल है उसकी मदद करो, बेवाओं की यतीमों की मोहताजों की भूखों की मदद करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत मुबारका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीले बनू तय की कैदी औरतें लाई गई, कैदी औरतें
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज के लिए तशरीफ लाए। वो जो औरतें गिरफ्तार की गई थी उनको मस्जिद नबवी के एक जानिब में बिठा दिया गया था। अल्लाह के रसूल नमाज के लिए तशरीफ लाए, वो कैदी औरतों को देखा, उनमें एक खातून थी, ऐसा लगता था कि किसी बड़े घर की है वो, हाँ जी। उसके चेहरे पे जो रोग जलाल था किसी बड़ी खानदान की मालूम होती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब में तशरीफ लाए, आपने पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने अजीब जवाब दिया। उसने कहा मातल वालिद वगाबल वाफिद फमनुन अलैया मन्नल्लाहु अलैक। उस खातून ने कहा बाप मर गया, मेरा छुड़ाने वाला भाग गया, लिहाजा आप मुझ पर एहसान फरमाइए, अल्लाह आप पर एहसान फरमाए। उसके जवाब से अल्लाह के नबी को बड़ा ताज्जुब हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया मनिल वाफिद, तेरा छुड़ाने वाला कौन है? उसने कहा आदी बिन हातिम ताई। ये असल में हातिम ताई की बेटी थी, ये सिफाना इसका नाम था, हातिम ताई की बेटी थी, वही यमन का कबीले तय का सखी हातिम तय, पूरी दुनिया में शोहरत हासिल थी उसको, लेकिन हुजूर का ज़माना उसने नहीं पाया, इंतकाल हो गया, इसलिए ईमान नहीं लाया हातिम तय। ये हातिम तय की बेटी थी सिफाना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था तुम कौन हो, उसने कहा मातल वालिद वगाबल वाफिद फमनुन अलैया मन्नल्लाहु अलैक। मैं यूं हूं कि बाप मर गया, मेरा छुड़ाने वाला भाग गया, आप मुझ पर एहसान कीजिए, अल्लाह भी आप पर एहसान करेगा। तो हुजूर ने पूछा मनील वाफिद, तेरा छुड़ाने वाला कौन? कहने लगी अदी बिन हातिम ताई, मेरा भाई अदी हातिम ताई का बेटा अपने बाल बच्चों को लेकर भाग गया और हमें छोड़ दिया आपके रहमो करम पे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा वही मशहूर सखी हातिम ताई की बेटी हो? कहा जी। हुजूर ने देखा उसका सर खुला है, गिरफ्तार करके लाई गई थी ना, वो सर खुला है। अल्लाह के नबी ने अपनी चादर मुबारका उतारी, एक सहाबी को देकर फरमाया इस बच्ची के सर पे उड़ा दो, इस बच्ची के सर को ढांप दो। सहाबी ने कहा हुजूर ये काफिर की बेटी है और ये चादर आपकी रहमत वाली चादर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या हुआ, बेटी आखिर बेटी होती है चाहे वो काफिर ही की क्यों ना हो। ये आपने उम्मत को हया की तालीम दी, अपनी औलाद की तरबियत करो। अल्लाह के नबी ने गैर मुस्लिम की बेटी के सर को ढांपा,
तुम कम से कम अपनी बच्चियों को पर्दे में रखो। इस्लाम दुश्मनों ने प्लानिंग के तहत मुस्लिम बच्चियों को वरगला कर माँ बाप से और मजहब से अलग करना चाहा। कितनी बच्चियां हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली, प्री प्लानिंग उनको इश्क की जाल में फंसा कर उनसे दीन और माँ बाप को छुड़ा लिया जा रहा है। इसलिए ईमान वालों अपनी बच्चियों की हिफाजत करो। हाँ जी, जिस तालीम में हया ही ना हो, जिस तालीम में ईमान ही बाकी ना रहे, उस तालीम को क्या आग लगाओगे? हाँ जी, याद रखो अल्लाह ने यूं तो बेशुमार नेमतें दी हैं, लेकिन दो नेमतें ऐसी अता फरमाई हैं कि उसका एहसान जतलाया अल्लाह ने। उनमें से एक है ईमान और दूसरे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने ये दो नेमतों का एहसान जताया। कबीले बनो असद के लोग ईमान लाकर मदीना आए और कहा कि जी हमारे पास आपका कोई आदमी नहीं आया, न किसी ने हमें डराया धमकाया न तरगीब दी, हम तो अपने दिलो जान से मुसलमान हुए हैं। गोया वो अपने मुसलमान होने का एहसान जता रहे थे। अल्लाह ने आयत शरीफा नाजिल फरमाई, यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू, ये लोग आए हैं और आप पर अपने मुसलमान होने का एहसान जता रहे हैं। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। कोई मुसलमान हो तो कोई कमाल नहीं है, कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह का एहसान है उस पर कि अल्लाह ताला ने इस्लाम की हिदायत अता फरमाई। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ, ऐ नबी उनसे कह दीजिए तुम अपने मुसलमान होने का एहसान मुझ पे ना रखो। بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ, बल्कि अल्लाह एहसान जतलाता है कि उसने तुम्हें ईमान की हिदायत अता फरमाई। और दूसरी नेमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूलन मिन अन्फुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ। अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान जतलाया कि उसने रसूल भेजे उन्हीं में से जो उनके सामने अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और किताब की तालीम देते हैं और हिकमत की तालीम देते हैं, उनके दिलों को पाक करते हैं। ये लोग इससे पहले गुमराही में पड़े हुए थे, खुली गुमराह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और आपने खुद अमल करके बताया। तो बहरहाल हुजूर ने अपनी चादर मुबारका उतार कर सहाबी को देकर फरमाया इस बच्ची के सर को ढांक दो। सहाबी ने कहा हुजूर एक काफिर की बेटी है,
और ये आपकी रहमत की पाकीज़ा चादर है। अल्लाह के नबी ने फरमा, फिर क्या हुआ, बेटी आखिर बेटी होती है, चाहे वो किसी की भी बेटी हो। इसी तरह से अल्लाह के रसूल ने अपने घर वालों के साथ शफ़क़त और रहमत का मामला फरमाया। अच्छा, हम ये समझते हैं कि घरों में किरकिरियाँ नहीं छोना है, किरकिरियाँ होना है। तो बोलेंगे ऐसा कैसा मामला ना बोल रहे, याद रखो नबी के घर में हुए, तुम्हारे घर में नहीं होना क्या है जी। आओ कुरान करीम की उस आयत से अल्लाह के नबी की सीरत की एक झलक हम बताए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने इजाज़त दी थी, आप निकाह करते रहे करते रहे, 11 निकाह फरमाए, और मुसलमानों को लास्ट 4 की इजाज़त है, लेकिन कंडीशन रखी, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاعِدَةً, अगर इंसाफ नहीं कर सकते ना तो एक ही काफ़ी है, और एक ही चित्ते नाक में दम कर दी, दूसरे की हिम्मत नहीं होती है जी, दूसरी करा रहे तो पहले वाले के पास नहीं जाता, क्यों, कहाँ जहर डाल के मारती क्या है। इसीलिए देखो कुरान ने भी कहा, अगर दम है तो दूसरी करो, नहीं है ना एक पे गुजारो, और हमारा अमल इसी पे है जी। वो अरबा है बेटे, कितने भी करे तो कमीज पड़ रहे उनको, तो बाकियों के लिए 4 की इजाज़त थी, और अल्लाह के नबी के लिए स्पेशल अल्लाह ने इजाज़त दी थी। और आपने जो इतनी शादियाँ की, उसका मकसद उन ख़ानदानों में दीन की दावत देना था। इसीलिए देखो जितने कट्टर कबीले थे, कट्टर दुश्मन, अल्लाह के नबी ने उनके सरदारों की बेटियों से निकाह किया, निकाह करते ही उनके दुश्मनी का टेम्परेचर ज़िप बोल के नीचे आया। अबू सुफियान अरब के काफिरों का सबसे बड़ा सरदार, अल्लाह के नबी ने उनकी बेटी उम्मे हबीबा से निकाह फरमाया। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा अबू सुफियान की बेटी थी, तो लोगों ने अबू सुफियान को ताना दिया, क्या सरदार तू तो उनके खिलाफ जंग नर ना, और तेरी बेटी ने उनसे निकाह कर लिया। तो अबू सुफियान का जवाब सुनो, अबू सुफियान ने कहा, हुआ फहलुन ला युजदु अन्फुहु, अबू सुफियान ने कहा अगर मेरी बेटी ने उनसे निकाह किया इसमें ऐब की बात नहीं है, वो ऐसे आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं उन पर कभी कोई उंगली उठाई नहीं जा सकती। देखो टेम्परेचर एकदम ज़िप बोल के कम हो गया है, आदमी सबसे पंगा लेगा दामाद से नहीं, जानते जी हमारे दामाद ही छे उन्होंने, इसी तरह आदमी सबसे पंगा लेगा लेकिन भाईजान से नहीं, नहीं जी हमारे भाईजान हैं उन्होंने। तो अल्लाह के नबी ने इतने निकाह जो किए हैं नौज़ुबिल्लाह महज अपनी ख्वाहिशात के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम की ईमान की दावत ही के लिए। इसी तरह से एक बहुत बड़ा ताकतवर कबीला था, कबीले बनी मुस्तलक, अल्लाह के नबी ने उस कबीले के सरदार हारिस की बेटी से निकाह किया,
हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा, हुज़ूर ने निकाह किया, उसकी बरकत थी, पूरा कबीला मुसलमान हो गया, पूरा कबीला मुसलमान हो गया। इसी तरह से तो हुज़ूर ने 11 निकाह फरमाए, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया नबी अब बस, अब इसके बाद आपको इजाज़त नहीं। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद फिर कोई निकाह नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बीवियां आपकी हयात में इंतकाल हो गई, इंतकाल कर गए, हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा। बाकी 9 बीवियां हयात थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ करते थे अपने बीवियों के साथ, इंसाफ। हुज़ूर ने हर एक के लिए बारी मुकर्रर की थी कि रोज़ाना एक रात एक बीवी के यहाँ गुजारते थे, लेकिन असर के बाद हुज़ूर का मामूल था कि असर की नमाज के बाद पूरे घरों में पहुँच कर खैर खैरियत मालूम करते थे, सलाम करते, खैरियत मालूम करते, फिर आगे बढ़ते, पूरा राउंड लगा के जिनकी बारी का दिन होता वहाँ आके रुक जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हुजूर असर के बाद अपने बीवियों के हुजरों पर पहुँच कर खैरियत मालूम कर रहे थे, हज़रत ज़ैनब बिनते जहाश के पास पहुँचे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास शहद आया है, शहद बड़ा अच्छा शहद है, थोड़ी देर रुक के शहद पी लिए तो बहुत अच्छा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना अच्छी बात है, हुजूर रुक गए। अब वो शहद पीने में थोड़ी देर तो होती ना जी, अज़वाजे मुत्तहरात में 2 पार्टियां थे, 2 पार्टियां, एक पार्टी ने हज़रत आयशा अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी, हज़रत हफ्सा उमर की बेटी, हज़रत सौदा बिनत ज़म्मा, ये इनके आपस में बहुत जमती थी। दूसरी पार्टी में ये थी हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्म सलमा और बाकी। अब हुजूर ज़ैनब के शहद पेश करने की वजह से उनके पास थोड़ी देर रुके। इधर वालों को महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल वो घर में कुछ ज़्यादा देर तो नहीं रुके, तो उन्होंने अपनी खादिमा को भेजा, जा ज़रा मालूम कर कि वहाँ इतनी देर क्यों रुके थे। खादिमा आके बोली अजी वो ज़ैनब जो है शहद पेश करी थी, अल्लाह के नबी को शहद बहुत पसंद था और क़ुरान ने भी कहा फी ही शिफा उल्लिन्नास, शहद में शिफा है, अल्लाह के नबी को बहुत पसंदीदा शहद, तुम भी कभी इस नीयत से शहद इस्तेमाल करो। तो मालूम हुआ इनको कि हुजूर वहाँ क्यों ठहरे थे, ज़ैनब शहद पेश करे थे। अब ये तीनों मिलके प्लानिंग करें कि ऐसा वो रोज़ शहद पेश करेंगे तो रोज़ ठहरेंगे वहाँ ज़्यादा देर, इसलिए रोकने के वास्ते क्या करना है कि तीनों प्लानिंग करें कि हम में से जिसके पास भी हुजूर आए हैं तो हुजूर से ये कहें या रसूल अल्लाह क्या बात है जी, मुंह से मगाफिर की बू आ रही है, मगाफिर एक किस्म की शहद की मक्खियाँ होती हैं और वो मक्खियाँ शहद बनाती ना उसमें लाइट बू आती जरा,
थोड़ी बू मारती, और हुजूर को बदबू सख्त नापसंद थी। ये तीनों प्लानिंग कर लिए। बहरहाल हुजूर जब इनके पास आए तो हर एक ने कहा, या रसूल अल्लाह क्या बात है जी, मगाफिर की बू आ रही है, कहाँ तो भी शहद वो पिए थे जी, अनजान बन के देखो कैसा बातें कर रहे हैं जी। ये औरतें जो है ना बहुत होशियार होते हैं, अच्छे अच्छे मर्दों को घुमा देते हैं। तो अनजान मार के हर एक पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह मगाफिर की बू आ रही है, कहाँ तो भी शहद पिए क्या। अब एक बोली, दो बोली, तीन बोली है जी, एक ही जो बात बार बार टॉर्चर की हो रही, तो आदमी का दिमाग है जी, आदमी का दिमाग जो है परेशान हो जाता। अब हुजूर तीनों की बातें वही सुन के हुजूर को बहुत टेंशन आ गया। अल्लाह के नबी ने फरमा, सुनो अल्लाह की कसम, आज के बाद मैं शहद कभी नहीं पीऊंगा, बस मैं अपने ऊपर शहद को हराम कर लिया, कभी नहीं पीऊंगा। अब ये तीनों तो खुश हो गई कि अब शहद नहीं पिए तो वहां जाते चुके क्यों। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आयत शरीफा नाजिल फरमाई, आयत शरीफा नाजिल हो रही है, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। ऐ नबी, अल्लाह ने जो चीज आपके लिए हलाल की है आप उसे हराम करने वाले होते कौन। या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मरजात अज़वाजिक। अपने बीवियों को खुश करने के वास्ते अल्लाह ने डांट दिया। तो अल्लाह के नबी ने फिर अपनी कसम को तोड़ा और कफ़ारा अदा किया और फिर शहद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये नबी के घर के झलकियां हैं अल्लाह ने जो कुरान में बयान किया। इससे मालूम हुआ घर में किरकिरा होते थे, कांच के बर्तन एक जगह अलमारी में रखे ना टकराते, लेकिन टकराव हल्लू मैं तो जोर से टकरा तो फूट जाते फिर है नी। आजकल जो तलाकें हो रही ना कौमें बदनाम कर रही, क्या जी मुसलमान तलाकें देते, असल में वो मियाँ बीवी के झगड़े कम रहते, उनके अम्मा बाबा के ज़्यादा रहते हैं। अजी आप अम्मा बाबा बेटी को बोलते हैं, खबरदार इसके बाद तू मर्द के घर को नहीं जाना, अगर गई तो हमारा मरे वाला मुंह देखेंगी। मैं बोलते ये बूढ़े मरे तो चच्चा है। बच्चों को जिंदगी गुजारने दो, तुम्हारे टेंशन बच्चों पे क्यों डालते हैं जी। याद रखो, आदिलाबाद में था मैं तकरीबन 25 साल पहले, वहाँ शरी पंचायत होती थी। तो एक केस ऐसा आया मियाँ बीवी के झगड़े का, तो मैं बोला, दोनों को समझाया, बोला बेटे ये मामूली बातों पे तुम इतना टेंशन रखो, वो बच्ची तैयार होगी, अच्छी बात है मौलाना तुम बोले तो मैं जाती। उसकी माँ बोली, मौल साहब अगर मेरी बच्ची को भेजे ऊपर से कूद के जो मर जाती। अब देखो अब मुझे वाकया याद आया, सुना हुजूर के सीरत। एक मरतबा आपकी लाडली बेटी बीबी फातिमा और दामाद हजरत अली,
दोनों में घर में किरकिरियाँ हो गए मियाँ बीवी में। तुम समझते हो मुसलमान के घर में भी टेंशन रहता क्या है? ये तो कम तनख्वाह दिए तो टेंशन ही तो क्या होता है। बच्चा भी बाहर घर में कुछ नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ ये इमामों की आलिमा की बद्दुआ नको ले। हम लोग ना बोलते हैं वो सुलूक बुजुर्ग बनने के वास्ते वो मुजाहिदा करना पड़ता है। मैं बोलता हूँ एक आलिम का मुजाहिदा उसकी औरत की वजह से पूरा हो जाता है। कहते हैं औरों की औरतें डरते लेकिन आलिमा की औरतें अब्बा देड़ लड़ाकू रहते। क्योंकि इनकी किस्मत को अल्लाह देता है। अब इनसे जिक्र नहीं हो सकता, वो उससे मुजाहिद नहीं हो सकते। इनका सुलूक तो औरत की वजह से तय हो जाता है। तो बहरहाल हजरत है बीबी फातिमा अल्लाह के नबी की लाडली बेटी और हजरत अली दामाद, दोनों में एक मरतबा किरकिरा हो गए। अब बीबी फातिमा को तो बहुत गुस्सा है, बस सीधा चादर ओढ़ ली और सीधा अपने बाबा के घर को चली। हजरत अली टेंशन तो दे दिए, बाद में उनको एहसास हुआ अब इन्हों जा रहे हैं अपने बाबा के पास और बाबा अल्लाह के महबूब हैं। हर बाप के दिल में बेटी के लिए मोहब्बत रहती है। बाप ये नहीं सोचता बेटी गलती करी होंगी, बाप सोचता मेरी बच्ची पे जुल्म ही कराऊंगा इन्हें। तो हजरत अली घबरा गए कि अगर फातिमा अपने बाबा से बोलती है शिकायत करे कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी की जुबान से मेरे लिए बद्दुआ ना निकल जाए, मैं तो तबाह हो जाऊंगा। बहरहाल हजरत फातिमा आगे आगे चली और हजरत अली जरा फासले से पीछे पीछे चले। बीबी फातिमा अंदर दाखिल हुई रोते हुए, हजरत अली दरवाजे के बाहर खड़े हो गए चुप। अब देखना इन्हों क्या शिकायत करते बाबा से और बाबा क्या बोलते हैं। हजरत अली दरवाजे के पीछे छुप के खड़े हो गए। अब हजरत फातिमा अपने बाबा के सामने रोते हुए अली की शिकायत करने लगे। हजरत अली का तो दम रुक गया, आप बद्दुआ करेंगे जब बद्दुआ करेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया बेटी कोई भी मर्द अपनी बीवी की हर बात थोड़ी मानता है। हुजूर ने फरमाया बेटी सब्र कर, घर में ऐसा तो होते रहता है। हुजूर अपनी बेटी को समझा रहे हैं, इसमें हमारे लिए हिदायत है। हाँ जी, बेटी अगर शौहर की शिकायत लेकर आए आसीना चढ़ा के नको जाओ उसके ऊपर, ऐसा ठीक है उसको 498 में खींच लो। अरे जी ना ना, जिंदगी उस बच्ची को गुजारना है। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को समझाया, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए, भला ऐसे भी कोई हो सकता है कि अपनी बेटी को समझाए। हजूर ने फरमाया बेटी मैंने तेरा निकाह मेरे खानदान के उस शख्स से किया है जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीज है, मेरा बहुत लाडला है, अली मेरा अली। बेटी जा, जा घर को जा।
अल्लाह तुम दोनों को खुशहाल ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह के नबी ने शिकायत सुनकर कोरट का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, ऐसे आजकल अम्मा बाबा कर रहे हैं। हाँ जी, ये हुजूर की सीरत मुबारक है। खाली नमाज़ पढ़ना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये मामलात भी उसी तरह से अंजाम दो जैसे हमारे आखा ने अंजाम दिया। तो बेटी को समझा के भेजा, फरमाया बेटी फातिमा जा अपने शौहर के घर, अल्लाह तुम दोनों की ज़िंदगी खुशहाल बनाए। हजरत फातिमा ने कहा अच्छा अब्बा जान। जब फातिमा दरवाजे से बाहर निकली, अली की आंखों में आंसू हैं, फरमाया फातिमा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे नाजुक दिल को तकलीफ दी। फातिमा कहने लगी अली मेरी गलती भी कुछ कम नहीं है, मेरे से भी गलती हुई। फिर दोनों हंसी खुशी अपने घर आए, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह ने प्यारे बच्चे अता फरमाए, सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नुमा जैसी औलाद अता फरमाए। जैसे माँ बाप होंगे वैसी औलाद होंगी। हम समझते हैं लीम के झाड़ को आम के फल लगना, ए लीम के झाड़ को लीमिच लगता है, ऐसी बात समझना है। औलाद को सुधारना है ना, पहले खुद सुधरना, औलाद खुद सुधरेगी। औलाद को महज़ी बनाना है, खुद महज़ी बन जाओ, औलाद महज़ी बनेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला औलाद के साथ, बीवियों के साथ हुजूर का मामला। अच्छा ज़्यादा देर तो नहीं हो रही तुम्हारे को? हमारी गाड़ी का इंजन जो है ज़रा देर से गर्म होता है, और जब स्पीड पकड़ा रहे तो बड़े बड़े फतरे रखना पड़ता है जी। बहरहाल आप उतने लंबे बयान सुनने के आदि नहीं हैं, इसलिए मैं 10-15 मिनट और बयान करके बयान ख़त्म कर दूँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ कैसे खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। एक मरतबा एक देहाती आया अल्लाह के रसूल की खिदमत में, कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ आपकी दावत है। वो करीब के गांव का रहने वाला था, उसने कहा हुजूर मेरे यहाँ आपकी दावत है। हुजूर ने फरमाया आयशतु माई, मेरे साथ आयशा भी होंगी क्या दावत में शरीक? यानी एक आदमी की दावत दे रहा है क्या सह कुटुंब सह परिवार? ये रुखा में लिखते ना मैं महल, तो ये मैं महल दावत का सबूत कहाँ से है? उसकी हदीस पेश कर रहा हूँ। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से उस ज़माने के बहुत बड़े मुहद्दिस उन्होंने एक मसला पूछा, अबू यूसुफ इसका मसला क्या है? उन्होंने मसला बताया। आमश कूफी ने कहा ये मसला बताए इसकी दलील क्या है? तो इमाम अबू यूसुफ ने फरमाया हज़रत इसकी दलील वही हदीस है जो तुमने मुझसे बयान की थी, वही हदीस इसकी दलील है। उन्होंने कहा याकूब, उनका नाम था, कहा याकूब ये हदीस मुझे उस वक़्त से याद है जब तुम्हारे बाप की शादी भी नहीं हुई थी। ये हदीस मुझे उस वक़्त से याद है जब तुम्हारे बाप की शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन इसके हदीस का सही मफहूम आज मेरे समझ में आया है नहीं? तो बहरहाल उस देहाती ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे यहाँ आपकी दावत है।
हुजूर ने फरमाया आयशतु माई, ओ देहाती अकेले की दावत है कि आयशा भी मेरे साथ दावत में रहेंगे, मैं महल दावत है क्या? वो देहाती बड़ा कड़वा था बेटा, अरब की देहाती बहुत जाहिल रहते थे। उसने कहा ला ला, नहीं नहीं नहीं, आयशा को दावत नहीं, अकेले को दावत। हुज़ूर ने फरमाया इज़न फला, उनको दावत में तो मैं भी नहीं आता, मैं महल दावत दिए तो आतो ने तो नहीं आता। सुभान अल्लाह। हाँ जी, ये अपने घर वालों से मोहब्बत है। हम बाहर बहुत अखलाक से पेश आते हैं, घर में आते ही जो किरकिरियाँ जो गालियाँ, हाँ जी खबरदार। अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ली अहली वाना खैरुकुम ली अहली, हुज़ूर फरमा तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा, और मैं तुम सबसे अच्छा हूँ अपने घर वालों के लिए। तो हुज़ूर ने फरमा इज़न फला, आयशा को दावत में तो मैं भी नहीं आता। देहाती बोला नहीं तो नहीं आए गया। अल्लाह के नबी के दरबार में शहरियों के लिए ज़रा गुस्ताखी करे तो सज़ा मिलती थी बेअदबी की, लेकिन देहातियों के लिए हुजूर के दरबार में फुल इजाज़त थी। हुजूर जानते थे देहाती अदब नहीं जानते, इसलिए हुजूर उनकी रियायत फरमाते थे। और देहाती बहुत अजीब सवालात करते थे, बहुत सख्त, लेकिन हुजूर मुस्कुरा देते थे। हुजूर ने फरमाया इज़न फला, ए जब आयशा को नहीं तो मैं भी नहीं आता। उसने कहा नहीं तो नहीं, चले गया। फिर दूसरी मरतब आया, कहने गया या रसूलल्लाह मेरे पास दावत है जी, मेरे घर को आओ खाना खाने को। हुजूर ने फरमाया आयशा तो माई, ओ देहाती आयशा को भी दावत है क्या? मैंने बोला ला ला ला, उनको नहीं है दावत। हुज़ूर ने फरमा इज़न फला, फिर मैं भी नहीं आता। उसने कहा नहीं तो नहीं आए, चले गया। तीसरी मरतबा फिर आया, कहने लगा या रसूलल्लाह मेरे पास दावत है जी आओ ना। हुज़ूर ने फरमा आयशा तो माई, क्या मेरे साथ आयशा को भी दावत है क्या? उसने कहा नाम ठीक है, आयशा को भी दावत है। हुज़ूर ने फरमाया इज़न फनाम, फिर हमें भी मंजूर है। अच्छा दावत देके चलेगा बेटा, सवारी तो पेश करना ना जी। है जी लोग बोलते हैं मौलाना अनाज पड़ेंगे तुम्हारे को दावत है, हाँ ए सवारी तो भेजना भाई, कार तो भेज नहीं, कैसा भी तुम ही चाहो। वाह रे वाह, ये दावत नहीं है तो अदावत हो गई। बहरहाल अल्लाह के नबी ने आदाब जिंदगी बताए अपनी उम्मत को, दावत देके चले गया उन्हें। अब अल्लाह के नबी हजरत आयशा से फरमा आयशा वहाँ वो गांव में दावत है, चलो। तैयार हो गई, हम गांव दूर था वो, अब पैदल चलना होते दूर। हुज़ूर ने फरमाया आयशा आप उन दौड़ेंगे क्या, देखेंगे कौन आगे जाता है। अब ज़मीन व आसमान में ये मंज़र देखा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ ऐसी शफ़क़त का मामला फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा देखेंगे कौन आगे जाता है, दौड़ेंगे दोनों। अब दोनों दौड़ रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि इस दौड़ में मैं आगे निकल गई,
लोग जो है दूसरों के हार से खुश होते हैं, हैं जी। अल्लाह के नबी ने हमें सीरत में बताया कि दूसरों की जीत पर भी खुश होना सीखो, हैं जी। इंसान को अपनी हार हजम नहीं होती, इंसान दावत करता है, लेकिन हुजूर ने बताया कि दूसरों को दूसरों की जीत देकर भी खुश होना सीखो, क्योंकि मुखद्दर को तुम बदल नहीं सकते और हम हालात को अपने काबू में नहीं ला सकते। अल्लाह के फैसले में राजी हो जाओ। अल्लाह जिस पर राजी है बंदा उस पर राजी। एक अल्लाह वाले थे शाह दौला, एक डैम के पास उनका बस उनका गांव था। वो डैम जो है पजरने लगा, लोगों ने आके कहा हजरत दुआ करो अल्लाह से। वो डैम ऐसा पजरते पजरते फूट जाता, दुआ करो। उन्होंने कहा अच्छा, कुदाल फौड़े लेके चलो मेरे साथ। बोले अरे दुआ के वास्ते बोले ना कुदाल फोड़। वहाँ गए, कुदाल लिया और उसको हॉर्न फोड़ना शुरू कर दिया। लोग बोले अरे अरे हजरत ये क्या कर रहे, डैम फूट जाएगा। उन्होंने कहा कि जिधर मौला उधर शाह दौला। अल्लाह की मर्जी है, शाह दौला उसे कौन रोक सकता है। तो मुखद्दरात अपनी जगह है, हालात जो आ रहे हैं और आएंगे। ये हालात की पेशनगोई अल्लाह के नबी फरमा चुके। क़यामत के करीब पे दर पे फितने नाजिल होंगे, जैसे तस्बीह का धागा टूटने के बाद जो मन के गिरते ना जिप जिप, ऐसी बलाएं मुसीबतें आएंगी। तो ईमान वालों हर हाल में साबित कदम रहो। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर एक जगह हजूर ने नमाज पढ़ी, सजदा इतना लंबा किया सहाबा घबरा गए, कहीं अल्लाह के नबी की रूह परवाज न कर गई। हजूर ने जब नमाज से फारिग हुए, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह इतना लंबा सजदा करे हम तो डरीज गए थे। हुजूर ने फरमाया मैंने अल्लाह से तीन दुआएं मांगी, जिसमें से दो कबूल हुई एक कबूल नहीं हुई। आपने फरमाया मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मेरी उम्मत पर ऐसी कोई वबा मुसल्लत न फरमा के पूरी उम्मत ख़त्म हो जाए। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। इसलिए मुसलमानों अल्लाह के नबी की इस दुआ की कवरेज में हैं तुम। कितने भी कोरोना आंधे, कोरोना का बाप आंधे है, मुसलमानों तुम्हारा बाल भी टेढ़ा नहीं हो सकता है, हैं जी। अल्लाह के नबी की दुआ की कवरेज में है। इसलिए देखो ये कोरोना है ना, 50 लाख आदमी झटके में मर गए, हैं जी। 8 करोड़ आदमी पॉजिटिव हो गए, 50 लाख झटके में मर गए। अब मुसलमान इतने डर गए, कहाँ मरते क्या है, मस्जिद में आ रहे नमाज को दूर दूर खड़े रह रहे, कह गए ऐसे एक टच होते ही मर जाते हैं। मैं बोला ऐसी मुबारक मौत कब आना, नमाज की हालत में सीधा जन्नत में जाते बेटे। मौत की इतनी हैबत थी पूछो मत। और हमने देखा जितनी एहतियात करे ना उतने पूरे मर गए। जितने मुआ को लगाए ना पूरे मर गए बेटे। मौत हयात अल्लाह के हाथ में है, एहतियात अलग चीज है।
हम ये नहीं कहते एहतियात में को करो करो, लेकिन भरोसा अल्लाह पे, जो करेंगे अल्लाह करेंगे, है जी। दूसरी दुआ, दूसरी दुआ अल्लाह के नबी ने मांगी, अल्लाह मेरी उम्मत पर किसी जालिम को मुसल्लत न फरमा जो मेरी तमाम उम्मत को ख़त्म कर दे, हाँ जी। इसलिए कितने से बड़े भी जालिम आंदे हैं, ये हमारा बाल भी टेढ़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हम नबी की दुआ के कवरेज में हैं। ये कवरेज से निकलो न को संपर्क टूट जाता है, अने बोलती कवरेज क्षेत्राचा बाहर आए जी। ये नबी की दुआ के कवरेज में रहो, हाँ जी, कवरेज क्षेत्राचा बाहर गेला रे मेला खत्म। तो हमारे लिए हिफाजत अल्लाह के कुरान में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। तुम उस कुरान की हिफाजत में आ जाओ, तुम्हारी भी हिफाजत हो जाएगी। और नबी की दुआ की कवरेज में, अच्छा तीसरी दुआ, ये दो दुआ कबूल हो गई, लिहाजा मुसलमान क़यामत तक रहेंगे, कोई बड़े से बड़ा जालिम भी नहीं मिटा सकता। हाँ झाड़ के थोड़े पत्ते तोड़ के फेंक देंगे, मगर पेंदे से नहीं उखाड़ सकता है जी। कोशिश कर रहे हैं फसादात के ज़रिए से नस्ल कुशी करने की, याद रखो अल्लाह कभी कामयाब होने नहीं देगा। इन्नहुम यकीदूना कैदन व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, वो भी प्लानिंग कर रहे हैं, अल्लाह फरमा रहा है मैं भी प्लानिंग कर रहा हूँ, हाँ जी। लिहाजा अल्लाह की प्लानिंग से बढ़ के किसकी हो सकती है। وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ سے بڑھ کے کس کی پلاننگ ہو سکتی ہے, مارنے والے سے بچانے والا طاقتور ہے, اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ قرآن حوصلہ دیتا ہے ایمان والوں کو, اور اللہ کے نبی کی دعا, اللہ کے نبی کی دعا کی چھتر چھایا میں رہو, हाँ जी, हट गए रे कट गए, मन शज्जा शुज्जा फिन्नार। तो तीसरी दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी उम्मत में इत्तेहाद पैदा फरमा। अल्लाह के नबी फरमाते ये दुआ कबूल नहीं हुई, इसलिए मुसलमाना फिरकों में जमातों में, हाँ जी, टुकड़ियों में बट गए, कोई वहाबी है, कोई सुन्नी है, कोई अहले हदीस है, अब एक से एक निकल रहे, बाज निकले दुआच नहीं है, उन्होंने बोले दुआच नहीं, हाँ सलाम फिरते ऐसा भाग जा रहे जैसे खसाब के हाथ से जानवर की रस्सी छूट गई ना, ऐसा भागता ना ऐसा भाग जा रहे, अब ये दुआ रहे, ए हदीस में दुआच नहीं, वाह रे वाह, हाजी साहब तूच पढ़ा क्या हम भी पढ़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया अद दुआउ मुखुल इबादत, अद दुआउ हुवल इबादत, हाँ जी, दुआ इबादत का मौज है, हाँ जी, मौज के छिलके खा के भाग जा रहा, अबे अंदर का खा। दुआ छोड़ के भाग जा रहे बेटे, एक से एक निकलेंगे, हम निकलेंगे, है जी। अब वो नमाज़ा में कोई यहाँ बन रहा कोई यहाँ बन रहा, मैं बोलता हूँ कैसा बनने का बन, कम से कम नमाज़ा तो पढ़ा।
कोई पांव ऐसा है यहाँ करीब रख रहा है, कोई ऐसा फैला के नमाज पढ़ रहा है, वो टचिंग कहते हैं टचिंग, दूसरे के पांव को टच करना कहते हैं। तो मुसलमानों में फिरके रहेंगे, इत्तेहाद नहीं हो सकता है जी। अगर इत्तेहाद हुआ रहे फिर लड़ते, सदर कौन बनता? अब लोग क्या मर रहे, मस्जिद का सदर मैं बनतू तू बनतू? हाँ, ये मस्जिद का सदर नहीं रहता, खादिम रहता, खादिम खादिम। ये बात समझ, अल्लाह के घर की खिदमत की जिसको तौफीक होती ना, दो नेमतें अल्लाह उसको देता है, क्या? अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुउइन व आमनहुम मिन खौफ। अल्लाह उसको रोज़ी देता है, इसलिए जितने मस्जिदों के सदरा हैं ना, सबके बिल्डिंगा हैं बेटों के, प्लाटिंग के धंधे, लोग समझते मस्जिद के चंदे मैसेज कर रहे होंगे ना। ए नहीं रे भाई, ये अल्लाह की घर के खिदमत की बरकत है। सही बात समझ में है। कुरैश मक्का जब काफिर थे, अल्लाह के घर की खिदमत करे, अल्लाह ने उनको उस ज़माने में रोज़ी दी और अमन दिया। जब ईमान वाले खिदमत करेंगे उनको नहीं मिलता क्या जी? इसलिए मस्जिद के सदरों को कुछ न को बोलो। अजी एक दूसरा गांव है, वो नाम नहीं लेता, वहाँ का सदर जो है बहुत ज़रा जर्नल आदमी था। उन्हें शब कदर में हिसाबात पूछते लोग। एक साहब खड़े हो गए, कहा ये मस्जिद का हिसाब दो मेरे को, कितने पैसे लाए कितने खर्च करे। इमाम साहब से उन्हें प्रेशर डाल के पूछ रहा, सदर साहब खड़े हो गए। उन्होंने बोले इमाम साहब इन्हें कितने दिया पूछो ज़रा। इन्हें कितने दिया? इमाम साहब बोले इन्हें 50 रुपये दिया। सदर जेब में से 50 निकाले, ये तेरे ले ले, तेरे किरकिरा भी न को एहसान भी न को तेरा। एक हकीम साहब के पास बहुत सारी चीज़ें तजर्बे के वास्ते रखी हुई थी, हर किस्म के वो कीड़े मकोड़े कांच के बर्तन में, तो सबके ढकना लगे हुए थे। अच्छा एक बर्तन में कांच के खेकड़े रखे हुए थे, खेकड़े, और उसका ढक्कन खुला था। एक आदमी देख के बोला हकीम साहब ये पूरे जितने भी हैं उनके वो ढक्कन लगे वाले हैं कीड़े मकोड़ों को, ये खेकड़े के ये बर्तन को ढक्कन क्यों नहीं लगाए? हकीम साहब बोले या दूसरे भाग जाते बोल के इनको ढक्कन लगाए, ये खेकड़ों की फिक्र नहीं है, इनको काम भी नहीं जाते, क्योंकि इन एक ऊपर चढ़ता ना दूसरे उसके टांगा पकड़ के खींचते। हमारा वो चाल है, कामा करते नहीं करने देते नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरी दुआ कबूल नहीं हुई। इसलिए मुसलमानों में फिरके रहेंगे, जमाता रहेंगे, कई किस्म के जमाता है जी। तो तुम टेंशन न करो, मैं तो ये कहता हूँ भाई जो जिसको हक समझ रहा ना अमल करते रहना रे, हिसाब किताब अल्लाह लेगा, ये दुनिया में हिसाब किताब नहीं है। जिसको हक समझ रहे ना अमल करते रहो बस, इबादत जिसको हक समझ रहे करते रहो। अलबत्त एक चीज़ याद रखो, वो अल्लाह के नबी ने हमें जो तोहफा दिया है वो है अखलाक का। अखलाक हमेशा इसकी पाबंदी करो,
कौन से भी फिरके का हो गए, सलाम तो कर सकते ना जी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ईमान वाले जब मिले सलाम करो। सहाबा ने कहा, हुजूर पहचान वाले को करना क्या, नहीं पहचाने तो उसको भी करना। हुजूर ने फरमाया, जिसको पहचानते हो उसको भी करो, नहीं पहचानते उसको भी करो। अब हमारा क्या, अपनी जमात का मिला रहे सलाम करे, अरे क्या गले, अरे सुभान अल्लाह माशा अल्लाह जो गले पे, और दूसरे जमात का मिला रहे सलाम अरे अरे ये कौन से अखलाक हैं। याद रखो, अल्लाह के नबी ने हमें अखलाक अजीमा अता फरमाया। तो सीरत मुबारका पे अक्सर और ज़्यादातर आपके अखलाक का पर्दो गालिब है, और इस्लाम भी फैलेगा अखलाक के ज़रिए से फैलेगा। यही बात समझ में। बहरहाल मैंने आयतें तो तीन पढ़ी थी, लेकिन वक़्त मुकम्मल हो गया है जी। इंशाअल्लाह फिर किसी मजलिस में और तफसीलात आएंगी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत इश्क अता फरमाए, आपकी सच्ची इत्तेबा नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुआ फरमा लें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم। اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ جو معاشرے میں بن بیائی بچیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، ان کے نکاح کے فیصلے فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد سے نواز دے، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مطیع فرما بردار بنا، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، عافیت راحت چین سکون نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔